भाई क्या मांगा? 10,000 नसल जागीरी विलायती 3,000 नसल का बताएंगे कौन सी है? अमेरिकन नसल है या कोई माँ इनकी हासिल है? दोस्तों सेटअप पे लेकर आ गए हम अपने सरप्राइज को। और दोस्तों आज जो है हम जुम्मा है, आप लोगों को पता था बर्ड मार्केट लगती है, तो हमारे जो भाई साहब हैं अख्तर भाई और हमजा वो ज़बरदस्ती लेकर आए। मुझे बोल रहे हैं हमें कोई मुर्गा वगैरह देखना है काले खान की ही तलाश में, तो देखते हैं अगर वो मिलता है या नहीं। बाकी मार्केट सर्च कर रहे हैं, मैं रेट पूछता हूँ अंदर जाके, काफ़ी मुर्गा आया यार, बहुत रश हो रहा है अच्छा खासा, तो पूछते हैं मुर्गों के रेट भी और देखते हैं आज हमें क्या मिलता है यहाँ से, उसको लेके घर चलेंगे। इसका क्या मांग रहे हो? 2500 कौन सी नस्ल का पता? मियाँ वाली है छोड़ना। और इसके 3,000 ये नौसल, ये नस्ल कौन सी? ये भी मियाँ वाली, ये भी मियाँ वाली है। सलाम वालेकुम भाई, क्या मांग रहे हो? भाई मांगने 3500 क्या नस्ल का पता कौन सी? जागीरी। जागीरी भी आपके? इसके क्या है? इसकी नस्ल क्या मांग रहा है? इसके 6,000 नस्ल का पता कौन सी है? कौन सी नस्ल? विलायती। क्या रेट है? 4,000 फी दाना 4,000। और इस वाले का? 5,000। इसकी नस्ल का क्या है? ये भी यही है, ये भी बिलाई थी है। उम्र में बड़ा है? उम्र में 1.5 साल। 1.5 साल का थोड़ा बड़ा वाला भाई। जोड़े के बताइए क्या मांगे? जोड़े के भाई फाइनल 3,000। 3,000 नस्ल का बताएंगे कौन सी है? अमेरिकन नस्ल है या कोई माँ इनकी हासिल है? अच्छा, बाप अमेरिकन है, माँ हासिल है। बाप अमेरिकन है, माँ हासिल है। हाँ सही है, सिर्फ कलर बाप पे, बाकी सारी सिंधी मुर्गी कहलाती है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, रेट बताएंगे? 1500। कौन सी नस्ल है? ये जावा है। सलामुअलैकुम आपका भाई, क्या मांग रहे हैं? 10,000 नसल जागीरी विलायती। और ये? 5,000। सलामुअलैकुम यानी क्या मांग रहे हैं भाई? 9,000। 9,000 कौन सी नसल है? ये A few moments later. दोस्तों मैं मंडी कवरेज करने तो नहीं आया था, आप लोगों को पता है, तो भाई वगैरह ले आए थे, तो वो लोग अभी भी घूम रहे हैं। तो सीन ऐसा कुछ था कि हमें एक चीज़ मिल गई है दोस्तों, और मेरी पसंद की चीज़ है, वो हमने परचेज कर ली है, उसको ले जा रहे हैं हम अब घर। तो चलते हैं घर और नमाज के बाद मैं आप लोगों को चीज़ दिखाता हूँ कि हमने वो क्या ली है। ठीक है दोस्तों, तो चलें मिलते हैं नमाज के बाद घर पे। One hour later. चलो भाई आ गए हम दोस्तों, सेटअप पे लेकर आ गए हम अपने सरप्राइज को। और ये रहा हमारा वो सरप्राइज दोस्तों, हम जो हैं ब्लैक बफ लेकर आ गए दोस्तों, जोड़ा हमारा प्यारा सा। नहीं मारना नहीं है, ये मारने आ रहे हैं हम, तो हटाओ ब्लैक बफ छोटा सा, अकड़ तो देखो कैसा रहा ये। ये था दोस्तों जो हमें वहाँ से मिला है, अच्छे रेट्स में मिल रहा था, तो मुझे वैसे भी ये लेना था, मैं काफ़ी नेट पे भी ढूंढा था, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो है ना हमारे शहर में तो यहाँ पे मिल नहीं पा रही है, तो वहाँ पे मैंने उनसे मालूम करे तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेट बोल रहे थे, और फिर मैंने बोला करते हैं इंशाल्लाह, बाकी अल्लाह पाक जो नसीब में लिखेगा वो दिलवा देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे वैसे ही ये जोड़ा अच्छे रेट्स में, और मेरे मतलब जितनी थी ना उतने रेंज में दिलवा दिया, और बहुत अच्छा दिलवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों ये थे वो छोटे थे जिनको हम लेकर आ गए। माती की हालत जो है थोड़ी देखा, ये थोड़ी सी गंजी हुई है, सेट हो जाएगी, सेट हो जाएगी, अंदर लड़ाई है भाई। इसका नाम मैंने सोचा है दोस्तों, मेरे वहीं आ गया था छोटा डॉन, ये छोटा डॉन है। अड़े 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 कोडू 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 छोटा डॉन, अरे काट रहा है मेरी भी छोटा डॉन। अच्छा होने में गंदे रिश्ते छोटा डॉन को तो कितना सही है, और इसकी अकड़ देखो। छोटा डॉन नाम रखा है इसका, बहुत बेहतरीन है,
छोटा डॉन और वो छोटी डॉन। दोस्तों आप लोग जरूर बताएगा कैसा लगा आप लोगों को छोटा डॉन हमारा और छोटी डॉन। दोस्तों दाना डाल दिया है, खाने में लगे पड़े हैं और ये जो है ना हमारे छोटे डॉन इसको बहुत मार रहे हैं। सारे अंदर चले गए डर के मारे। मुझे ये हो रहा था कि ये देखे प्यारा भाई छोटा था, ये हो रहा था कि इसको शायद मारे हैं सारे मिलके, लेकिन नहीं भाई हमारा छोटा डॉन ये देखे मारने पे तुला हुआ है सबको। लग जाएगा सही से, हाफ हाफ के पीस में लगेगा, हाफ ये लगा दो यहाँ पे। दोस्तों इनको यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं हम, जो हमारे ब्लैक बफ का जोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, नीचे रहेंगे सही रहेंगे। ये सिल्वर नहीं है भाई, ब्लैक बफ है। और से सिल्वर अलग होता है, ये ब्लैक बफ है, उसका कलर बता रहा है उसका। सिल्वर होता ना ये, वो हल्का सा क्रॉस में निकल जाते हैं, तो ये चीज़ भाई बोल रहे हैं सिल्वर है, मैंने बोला क्रॉस में निकल जाते हैं तो थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन मुर्गा कन्फर्म है तर भाई ब्लैक बफ है। ब्लैक मुर्गी भी ब्लैक ही होती है, मुर्गी बोल सकते हैं कि सिल्वर में थोड़ी सी हो, लेकिन हमारे अब ये बफ तो छोड़े छोटे डॉन है और छोटी डॉन है। डाल दो इन्हें अंदर, अब अभी अंदर छोड़ो। दोस्तों पूरी जगह हमने कवर कर दी है सिर्फ और सिर्फ अपने बफ की वजह से, ये जो जोड़ा आया है, क्योंकि दोस्तों बाकी जो है हमारे असील वो आप लोगों को पता है, असील जो है वो ठंड गर्मी सह जाते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं सह पाते, लेकिन इनसे ज़्यादा सह जाते हैं। ये थोड़े नाजुक होते हैं हमारे छोटे से प्यारे से जो बफ आए, तो इनकी वजह से हमने रखे हैं। काए घास मिल गया, ये रही भाई, ये भी आ गए हमारे दोनों छोटे छोटे अब्दुल रहमान और अब्दुल रहीम अपने गन के साथ। तो दोस्तों ऊपर से तो हम नीचे आ गए थे, तो ये दोनों मिल गए, ये लोग आ गए। और घास मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि हमजा जो है और मेरा भी ये कहना है कि जो गलवा मादी है हम बोल रहे थे पहले ही वो खुड़क होने वाली है, वो हो चुकी है, तो दो ही अंडे हमारे पास सिर्फ बचे हुए हैं, नीचे रख देंगे, तो इसलिए मैं घास लेने आया हूँ। घास लेते हैं और उसको बिठाते हैं आज अंडों पर भी। अभी जो है काफ़ी पिंजरा गंदा हो रहा था, तो इस वजह से भालू रेत डाल के उसके ऊपर वही हम जैसे करेंगे भूसा डाल के फिर घास डाल देंगे, तो इसको बैठाते हैं यार। दो ही अंडे हमारे पास, देखते हैं अगर दो अंडे भी ये निकाल दे कोई ऐसी वो नहीं है, हो सकता है कि इसके दो अंडे निकलाएं, हो सकता है अल्लाह ना करे, लेकिन उसके हमें पूरे निकलवाने भाई, अल्लाह करे उसके निकल जाएं बस, बाकी इसके भी दो अंडे इसके भी निकल जाएं तो अच्छा होगा। सारा फैला दें मतलब पूरे पिंजरे में। चले अब अंडे लेकर आके वो रख। तो भाई दो अदद अंडे हम लेकर आ गए, दो अदद अंडे ये ले भाई रख दे, बहुत सुकून से आराम से। ये भी शोर मत करना जरा सा भी, अंडों पे बैठी हुई है मादी, वो उठ जाएगी ठीक है। की कोशिश देखे मुंह बोलना अंदा बोलना बाहर नहीं आगे, बैठ जाएगी थोड़ा खुद ही बैठ जाएगी, बंद करके ढक दे। दोस्तों जैसे वो बैठी थी सुकून से, थोड़ी देर ढक दिया था, उसके बाद मैंने आके देखा था तो वो बैठ गई थी अंडों पे, इसका भी यही होगा, ये भी बैठ जाएगी। हमजा गाइड कर रहे हैं अब्दुल रहमान को कैसे मुर्गे को पकड़ना है, कैसे उठाना है। तो दोस्तों आज मैंने जो है ना वो, अरे क्या हुआ हमजा डर गया। तो आज मैंने हमजा की जिम्मेदारी लगा दी, मतलब भाई तू आज छुट्टी पर है, तू खोल और तुम ही संभालो सारों को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ यार। तो जुम्मे का दिन होता है, इसकी छुट्टी होती है, और भी भाई होते हैं तो ये लोग ही संभालते हैं सारे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और जो हमारे प्यारे से छोटे छोटे ये जो आए नए मेहमान छोटा डॉन और छोटी डॉन, तो इनका भाई मैंने नाम इनके कथिया से रखा है सीधी बात, तो दोस्तों वो भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आए होंगे और इनका नाम भी पसंद आया होगा और मेरा व्लॉग भी लाजमी पसंद आएगा। तो अगर पसंद आए तो मेरे इस व्लॉग को लाइक कर दें और मेरे चैनल गर्मा शौक को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।